वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर में बजट की प्रति लेकर के। हमारे साथ मौजूद हैं नवनीत कौर राणा। मैडम, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बजट से? इस देश की हर महिलाओं को जो उम्मीद थी ये पिछले 5 वर्षों में होते हुए ये देश के लोगों ने, महिलाओं ने, युवकों ने, स्मॉल स्केल से लेके जितनी भी लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हैं सभी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया गया है। सबको स्ट्रांगली अप्रोच किया गया है कि देश को आगे बढ़ाना है। अभी कल तो जो हमारे प्रेसिडेंटियल स्पीच थी वहाँ पर जो महिलाओं को आज तक कभी आगे बढ़ाने की किसी ने सोच नहीं रखी, उन्हें लखपति बनाने का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, मुझे लगता है उस पर बहुत सारी उम्मीदें। और आज जो फोकस मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस देश की महिलाएं, युवक और इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ये किस तरीके से ग्रो होना चाहिए उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये बजट होगा। और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे ये पिछले 5 वर्षों में कोविड के ही पीरियड में जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा हम लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो मुझे लगता है यस, आ स्माइल शोज कौन कितना टैलेंटेड है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हु इज़ मोर हंगर, हु इज़ गॉट मोर दिस थिंग, मुझे लगता है वो इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से ये देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी पूरी जितनी भी मंत्रिमंडल है वो काम कर रहे हैं। तो एक महिला है वित्त मंत्री, तो उसी हिसाब से महिलाओं को बहुत ज़्यादा फेवरेबल और देश को बढ़ाने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान आगे रहेगा। महिलाओं को लेकर के जो है खास उम्मीद कर रही हैं नवनीत कौर राणा, उनका यही कहना है कि अब तक जो इशारा मिला है वो यही इशारा है कि महिलाओं को लेकर के इस बजट में होगा कुछ खास। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।